हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। हम ना दिवाली पर एक लड़ी होती है बॉम्ब्स की, जिसे मुर्गा बॉम्ब कहते हैं। तो ना 2,000 की लड़ी आती है, वो 5,000 की आती है, उसे जला देते थे। और ना वो जल्दी जल्दी खत्म नहीं होती थी। और वही ना सिस्टम अब स्टॉक मार्केट में हो रहे हैं, जहाँ पर आईपीओ की लड़ी लग चुकी है, लगातार चलती ही जा रही है। इसी के साथ अब आईपीओ आ रहा है बिनेस पाइप्स एंड ट्यूब्स लिमिटेड का। और ये आईपीओ बाकी दोनों आईपीओ से ना काफी बेटर होने वाला है। तो आज के हम इस वीडियो पे ये कंपनी काम क्या करती है, इसके फाइनेंशियल्स क्या है, इसके पॉजिटिव नेगेटिव, और इसी के साथ साथ इसका टाइम टेबल, और एट लास्ट इस आईपीओ को अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आज इस वीडियो में हर चीज को हम अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे। तो स्वागत है आप लोगों का आईपीओ के लव ट्राइंगल शो में। वीनस पाइप एंड ट्यूब लिमिटेड ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है और एक्सपोर्ट करती है स्टेनलेस स्टील पाइप्स को, ट्यूब्स को। अगर हम इस कंपनी की बात करें, ये मेजरली टू ब्रॉड कैटेगरीज में काम करती है, जिसमें से सीमलेस ट्यूब्स और पाइप्स आ जाती है, और दूसरी आ जाती है वेल्डेड ट्यूब एंड पाइप्स। और इन्हीं के अंदर अंदर कुछ अलग से कैटेगरीज आ जाती है, जैसे अगर हम करेंगे स्टेनलेस स्टील हाई प्रसिजन एंड हीट एक्सचेंज ट्यूब्स, स्टेनलेस स्टील हाइड्रोलिक एंड इंस्ट्रूमेंटल ट्यूब्स, स्टेनलेस स्टील सीमलेस पाइप्स एटसेट्रा। अगर हम इस कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की बात करें, तो इसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट गुजरात में है, जिसकी कैपेसिटी पर ईयर 800 मिलियन टन की है। और इसी के साथ साथ ये कंपनी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट दोनों में अपने प्रोडक्ट्स को बेचती है। अगर हम बात करें तो ये 18 कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करती है। अगर उसमें से हम कुछ कंट्रीज की बात करें, ब्राजील हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, इसराइल हो गया, और यूरोपियन यूनियन की कुछ कंट्रीज हो गई। अब अगर हम कंपनी के पॉजिटिव की बात करें, तो सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट, पिछले कुछ सालों में ना कॉमोडिटी के रेटों में हमें काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखने को मिला है, जिसकी वजह से जितने भी ये कॉमोडिटी वाले शेयर थे उसमें भी हमें काफ़ी तेजी देखने को मिली है। तो एक तरीके से ये भी कॉमोडिटी में आ जाता है, तो क्या हमें इसका फायदा जहाँ नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। और अगर हम और स्ट्रेंथ की बात करें, सबसे पहले तो इनके जो प्रोडक्ट है इंटरनेशनली अप्रूव्ड है, और इसके बाद इनकी जो प्रोडक्शन है स्टीलनेस स्टील पाइप्स की और ट्यूब्स की काफ़ी स्पेशलाइज्ड है। थर्ड, इनके प्रोडक्ट्स की जो डिमांड है वो भी काफ़ी अच्छी है और काफ़ी ज़्यादा है। फोर्थ, इनका जो कस्टमर डाइवर्सिफिकेशन है वो भी बेटर से बेस्ट है। और इसके साथ साथ इनके पास अच्छी खासी एक्सपीरियंस और क्वालिफाइड टीम है। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें, तो सबसे पहले हम टोटल सेट्स की बात करते हैं। तो एज ऑफ 31 मार्च 2019 में 79 करोड़, 31 मार्च 2020 में 107 करोड़, 31 मार्च 2021 में 137 करोड़, 31 दिसंबर 2021 में 246 करोड़। अब आप देख सकते हो कि टोटल सेल्स में हमें कैसे इजाफा लगातार देखने को मिल रहा है। अब अगर हम टोटल वैल्यू की बात करें, 31 मार्च 2019 में 120 करोड़, 31 मार्च 2020 में 179 करोड़, 31 मार्च 2021 में 300 करोड़, 31 दिसंबर 2021 में 278 करोड़। और अगर हम पीएटी की बात करें, तो 31 19 में ओनली 3.7 करोड़, 31 मार्च 2020 में 4.1 करोड़, जहां पर प्रॉफिट काफी कम है। और अगर हम इसके बाद बात करते हैं, 31 मार्च 2021 में 23.6 और 31 दिसंबर 2021 में 23.5 करोड़। तो अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज पिछले कुछ सालों में हमें टोटल असेट्स और टोटल वैल्यू और इसी के साथ साथ पीएटी, इन तीनों में हमें काफी ज्यादा हमें इजाफा देखने को मिला है। अगर हम इसी के साथ साथ कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, तो सबसे पहले तो इनको कैपिटल चाहिए लॉन्ग टर्म वर्किंग के लिए, और उसके साथ जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, और तीसरा फाइनेंशियल प्रोजेक्टिंग कॉस्ट इनको चाहिए। कैपेसिटी ग्रोथ करनी है, टेक्नोलॉजी अपग्रेड करनी है, ऑपरेशन कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सपोर्ट चाहिए, और इसी के साथ साथ बैकवर्ड इंटीग्रेशन फॉर होलो पाइप मैन्युफैक्चरिंग। अब अगर हम कंपनी के टेंटेटिव टाइम टेबल की बात करें, तो ये आईपीओ ओपनिंग होगी 11 मई को, क्लोज होगा 13 मई को। अलॉटमेंट की डेट है 19 मई, रिफंड मिलने स्टार्ट हो जाएंगे 20 मई से, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर्स 23 मई को, और इसी के साथ आईपीओ की लिस्टिंग डेट 24 मई। एक लॉट 46 शेयर्स का रहने वाला है, जिसकी अमाउंट हमें पड़ने वाली है 14,996। और इस आईपीओ को एक लॉट से अप्लाई करने का कोई फायदा नहीं है रिटेल कैटेगरी में, क्योंकि ये आईपीओ इजीली ओवर सब्सक्राइब होने वाला है। अगर हम कंपनी की प्री इश्यू शेयर होल्डिंग की बात करें, तो 64.27% और आईपीओ लिस्ट होने के बाद 48.20%। अगर इसी के साथ हम इसकी कुछ और डिटेल्स की बात करें, तो फेस वैल्यू हमें मिलने वाली है 10 रुपीज पर शेयर की, 46 शेयर का 1 करोड़ रहने वाला है, इश्यू साइज है 165.42 करोड़ का, जो कि पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। जिस तरीके से इसका साइज देखकर आपको पता लगेगी होगा,
कि ये आईपीओ भी टी टू टी सेगमेंट में लिस्टेड होने वाला है, मतलब इसमें खुलने के बाद अपर सर्किट या लोअर सर्किट लगने के पूरे पूरे चांसेस रहेंगे। बीएससी एनएससी दोनों में लिस्ट होगा। अगर हम कोटा की बात करें तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूट को 50%, रिटेलर्स को 35% और इसी के साथ साथ एचएनआई को 15%। अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की बात करें तो मेघाराम सगरमजी चौधरी, जयंती राम मोतीराम चौधरी, ध्रुव महेंद्र कुमार पटेल और इसी के साथ साथ अरुण अक्षय कुमार कोठरी, ये कंपनी के प्रमोटर्स हैं। अब इसी के साथ हम अगर कंपनी की कुछ और डिटेल्स की बात करें तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ निकल के आ रहा है 19.58% का, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो में निकल के आ रही है 4.12 की। अगर हम पीई रेशियो निकालते हैं तो 21 के अप्रोक्स पीई रेशियो निकल के आ रही है। अब अगर हम इस आईपीओ की बात करें तो इतनी ज्यादा ओवर वैल्यूड भी नहीं है, और अगर हम कहें कि वैल्यू इतनी ज्यादा नहीं है तो कम भी नहीं है, ठीक ठाक है। कहने का मतलब कि टेबल पे स्कोप छोड़ा है, बट इतना ज्यादा भी नहीं छोड़ा। अगर हम जीएमपी की बात करें, आज के टाइम पे इसमें कोई भी जीएमपी में काम नहीं हो रहा। वैसे भी ये टी टू टी सेगमेंट में लिस्टेड होने जा रहा है, थोड़ा इसलिए रिस्की रहने वाला है क्योंकि वहां पर हमें सर्किट देखने को मिल सकते हैं और वहां से फिर एग्जिट हमें मुश्किल से मिलेगी। अगर हम इस आईपीओ को कंपेरिजन करें रत्नामणि मेटल्स के साथ तो उसका पी रेशियो हमारे पास निकल कर 32.96। अब इसका पी रेशियो इससे ज्यादा है, बट अगर हम एक दो कंपनीज की बात और करते हैं तो वहां पर पी रेशियो हमें कम भी देखने को मिलता है, मतलब कि इसका पी रेशियो उनसे ज्यादा है। अगर हम फिर भी बात करें ओके ओके वैल्यूड है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, फिर भी इस आईपीओ में अगर हम अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो अगर हम एज एड अग्रेसिव की बात करें तो मैं इस आईपीओ में जरूर अप्लाई करूंगा। वैसे भी ये लगातार 3 आईपीओ की जो लड़ी लगी है तो उसमें से ये सबसे बेटर आईपीओ होने वाला है, और सबसे पहले इसी आईपीओ को अप्लाई करने के बारे में हम सोचेंगे। तो अगर आप डिफेंसिव है तो मैं इसको फाइनल डिसीजन आपको सेकंड डे या फाइनल डे पर बता दूंगा, लेकिन अभी तक एज अग्रेसिव की बात करूं तो मैं इस आईपीओ को डेफिनेटली अप्लाई करने वाला हूं अपने हर फैमिली मेंबर के अकाउंट से। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।